नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट एग्जाम कंपटीशन में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ई श्रम कार्ड। अभी तक नहीं आए खाते में 1000 रुपये, तो जल्द करें ये काम। योगी सरकार ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर लोगों को बैंक खाते में 1000 रुपये ट्रांसफ़र कर चुकी है। अगर आपके खाते में पैसे नहीं आए हैं तो आपको क्या करना है, इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि अभी ई श्रम कार्ड को लेकर बहुत ज़ोर शोर से फॉर्म भरे जा रहे थे, बहुत से लोगों का फॉर्म भरे जा चुका है, बहुत से लोगों का 1000 रुपये अब उनके अकाउंट में आ गया है। अगर आपके पैसे अभी आपके अकाउंट में नहीं पहुँचे हैं तो अभी आपको एक बता रहे हैं तरीका, वो तरीका आप करेंगे तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा दोस्तों। तो कैसे चेक करना है, आपका बैलेंस आया है या नहीं आया है, वो भी आपको बताएँगे दोस्तों। तो दोस्तों, ई श्रम कार्ड जैसा कि स्टेटस है, कोरोना काल में आर्थिक मंदी से जैसा कि जूझ रहे श्रमिकों वर्ग के नागरिक के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय की ई श्रम योजना काफ़ीदार मददगार साबित हो रही है। इस योजना के तहत योगी सरकार ने ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड लोगों को बैंक खाते में 2 महीने के हिसाब से 1000 रुपये ट्रांसफ़र कर चुकी है। यानी कि दोस्तों, आपका दिसंबर और जनवरी माह का पैसा, आपका 1000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है। जिन लोगों का नहीं हुआ है बता रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन तो कराया है, लेकिन उनके खाते में अभी तक पहली किस्त नहीं आई है। जैसा कि दोस्तों, पहली किस्त के रूप में 1000 रुपये आपके अकाउंट में आ रहे हैं। 1000 रुपये आपका दिसंबर माह और जनवरी माह का पैसा, यानी कि प्रति माह 500 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये आपका 2 माह का पैसा आपके अकाउंट में आने वाला है। जैसा कि बहुत से लोग के आ चुके हैं पैसा, और बहुत से लोगों के पास पैसा उनके अकाउंट में पैसा नहीं पहुँचा है। अब देखिए दोस्तों, ई श्रम कार्ड के पैसे कैसे चेक करें। आपको घर बैठे अपना जो ई श्रम है, कैसे आप पैसा चेक करना है कि ई श्रम का पैसा मेरा आया है या नहीं आया है। दरअसल, जिन पात्र नागरिक के खाते में ई श्रम योजना की किस्त नहीं आई है, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको बैंक जाकर किस्त का स्टेटस चेक करना होगा, या फिर घर बैठे आप बैंक के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके खाते की पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही बैंक के खाते के साथ रजिस्टर फ़ोन नंबर की जानकारी ले सकते हैं। अगर नंबर रजिस्टर है तो उसे ठीक से जांच कर लें, नहीं है तो रजिस्टर करा लें, ताकि आपके खाते से संबंधित जानकारी आपको मैसेज के ज़रिए पता चल सके दोस्तों। तो दोस्तों, आपको जो टोल फ्री नंबर दिया गया है, आपको रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है, जो आप ई श्रम कार्ड जो बनवाए होंगे, जो इसमें रजिस्टर मोबाइल नंबर दिए होंगे, उसी नंबर के थ्रू आप कॉल करेंगे तो आपको वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, करोड़ों श्रमिकों को होगा लाभ। जानकारी के अनुसार योगी सरकार ने 2 करोड़ श्रमिकों के बैंक अकाउंट में ई श्रम योजना के तहत पैसे ट्रांसफर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना के तहत मजदूरों को आर्थिक मदद की दी जा रही है, ताकि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। इसके अलावा इस योजना के तहत यूपी गवर्नमेंट ने की पूरी तैयारी कल्याणकारी योजना का भी लाभ मिल सकेगा। सरकारी ने दिसंबर के से मजदूरों के खाते में पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर दिए हैं। सरकार अब तक 50 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को के खाते में 1000 रुपये जमा कर चुकी है दोस्तों। जैसा कि सरकार अब तक 50 लाख से ज़्यादा लोगों के अकाउंट में पैसे 1000 के रूप में भेज चुकी है दोस्तों। और आपका पैसा अभी तक नहीं आया है तो आपको जैसा मैंने बताया कैसे चेक करना है, उस तरीके से अपना चेक करके पता कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ई श्रम कार्ड अप्लाई करने के लिए पात्रता, जैसे कि कौन से लोग इस फॉर्म को ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए पात्रता है उनके पास है। जैसा कि ई श्रम कार्ड की पात्रता के ऐसे लोग हैं जिन जो कार्य में ये रहे हैं, जैसे कि सफाई कर्मचारी हो, गार्ड हैं, ब्यूटी पार्लर वर्कर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डिंग वर्कर, मजदूर, ईंट भट्ठा मजदूर, मछुआरा, रिक्शा चालक, कूली, ठेला लगाने वाला, चाय वाला, नाई, मोची, दर्री, दर्जी, बढ़ई, खदार मजदूर, मूर्तिकार, पंचर बनाने वाला, दुकान के क्लर्क, सेल्समैन, हेल्पर, ऑटो ड्राइवर, ड्राइवर, डेयरी वाले, पेपर हॉकर, नर्स, वार्ड बॉय, आया, मंदिर के पुजारी आदि लोग ऐसे सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ये इतने लोग जो ने बताया। जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तब तक आपके अकाउंट में पैसा आएगा नहीं। अगर अभी तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, यानी कि आपका ई श्रम कार्ड नहीं बना है, तो आप सबसे पहले क्या करें कि आपके पास जैसा कि आधार कार्ड ले लें अपना, आप बैंक का पासबुक ले लें और एक मोबाइल नंबर ले लें, और आधार कार्ड और मोबाइल नंबर मतलब कि मर्ज रहना, यानी कि नंबर लिंक रहना चाहिए दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर बोला गया है कि ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बिजली बिल या फिर राशन कार्ड और एक्टिव मोबाइल नंबर की ज़रूरत होगी। यानी कि जो आपका ये
आधार जो आपका प्रूफ होगा उस प्रूफ का मोबाइल नंबर से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आधिकारिक वेबसाइट ईश्रम.gov.in पर जाएं। यहां पर स्क्रीन आपको रजिस्टर ऑन ईश्रम पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अपना फ़ोन नंबर डालना होगा, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे वहाँ पर आप, फिर उसके बाद कैप्चा कोड डालें, फिर OTP आएगा। जैसे कि आप रजिस्टर मोबाइल नंबर से मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपके मोबाइल पर OTP आएगा, और OTP आने के बाद वहाँ पे ई श्रम पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको ई श्रम पोर्टल पर कैसे आपको अपना फॉर्म भरना है वो वीडियो में आपको बता दूंगा कि उस तरीके से आप अपना फॉर्म बड़े आसान तरीके से भर सकेंगे, सारा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो अभी तक जानकारी यही है। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे ई श्रम कार्ड कैसे बनवाना है और इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, अगली जो वीडियो आ रही है उसमें मिल जाएगा दोस्तों।